the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. so what are the diseases for which you can see in the breast breast diseases. देखो एक फीमेल को एक वुमेन को ब्रेस्ट के अंदर बदलाव पूरी जिंदगी महसूस होते रहते हैं जैसे जैसे आपकी उम्र आपके हार्मोन लेवल्स आप कोई दवा लेते हो कोई उल्टा सीधा हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो हार्मोन इम्बैलेंस से या, या फिर हार्मोन्स लेवल बढ़ने कम होने से ब्रेस्ट टिश्यूज के अंदर कभी ग्रोथ होता है कभी वो छोटे हो जाते हैं कभी उनके अंदर लम्प्स मिल सकते हैं कभी बम्प्स मिल सकते हैं कभी उसमें से कोई डिस्चार्ज निकल सकता है राइट right? सो so, और वो कई बार ब्रेस्ट मिल्क नहीं भी होता है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं सो इफ़ यू हैव अ ब्रेस्ट लम्प या कोई दर्द या कोई डिस्चार्ज या फिर कोई स्किन इरिटेशन ही क्यों ना हो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाएं माइनर या फिर कोई सीरियस ब्रेस्ट प्रॉब्लम कई बार एक सरी का ही सिम्टम्स देती हैं कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि ये माइनर है या सीरियस है और सबसे ज्यादा डर कैंसर का ही होता है सबको कि ये कोई प्रॉब्लम कैंसर ना हो जाए कैंसर ना हो जाए लेकिन कैंसर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो ब्रेस्ट में हो सकती है नंबर वन थिंग इज अ फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट चेंजेस जी हाँ चेंजेस का मतलब है कि ब्रेस्ट अपने आप में लंपीनेस थिक सूजी सूजी सी दिखाई देगी ये कई बार पेरीमेंस्ट्रोअल पीरियड पीरियड्स के जस्ट पहले जस्ट बिफोर द पीरियड देखा जाता है प्री प्रीमेंस्ट्रल टाइम पर फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट चेंजेस यानी ब्रेस्ट भारी हो जाती है थिक हो जाती हैं सूज सी जाती है भर सी जाती हैं लंप सी लगता है ऐसा गांठ है बड़ा सा उसमें सो ये एक लेकिन वो पीरियड्स के बाद ठीक हो जाती हैं सो दैट इज फाइब्रोसिस्टिस्टिक ब्रेस्ट चेंजेस ड्यू टू हॉर्मोनल सर्जिज देन दूसरी तरीके की बीमारी है सिस्ट ब्रेस्ट में फ्लूइड फिल्ड लम्स होते हैं फ्लूइड फिल्ड मतलब पानी भर के अगर कोई पानी भरे हुए गांठ है तो उसको सिस्ट बोलते हैं फाइब्रोएडिनोमास हो सकता है जी हाँ सिस्ट हो सकते हैं ब्रेस्ट में कई बार ऐसे सिस्ट आपकी पूरी बॉडी में भी हो सकते हैं और फाइब्रोएडिनोमा अलग चीज है सिस्ट और फाइब्रोएडिनोमा में फर्क होगा कि सिस्ट में अंदर ब्रेस्ट गांठ के अंदर लिक्विड होगा फ्लूइड होगा पानी टाइप्स कुछ होगा लिक्विड या पानी या कुछ भी ब्लड भी हो सकता है पर फ्लूइड होगा और फाइब्रो एडिनोमा में यह है कि वहाँ पर एक राउंड रबर के जैसा एक रबरी लंप होगा जो इजीली मूव होगा पुश होगा और यंग फीमेल्स में बहुत पाया जाता है और ये फ़ाइब्रो एडिनोमा में कोई कोई पा पानी नहीं है कोई फ्लूड नहीं है तो ये एक तरीके का गांठ है फाइब्रो एडिनोमा नंबर वन बहुत नंबर वन रीज़न है गांठ का और यंग फीमेल में बहुत कॉमन है फिर देर कैन बी इंट्राडक्टल पैपिलोमा इंट्राडक्टल पैपिलोमा का मतलब है कि ये बेसिकली वॉट्स के जैसा होता है जैसे वॉट्स आ जाते हैं कई बार हमें ये वॉट्स के जैसे है निप्पल के पास में आपको मिलेंगे वॉट्स के जैसे थोड़े थोड़े ग्रोथ दैट इज अगर वॉट्स नहीं पता तो सर्च कर लो गूगल कर लो वॉट्स के जैसे ग्रोथ से मिलते हैं वहां पर कई बार ब्लॉक्ड ब्लॉक्ड हो जाते हैं अगर निप्पल डिस्चार्ज हो रहे के डक्ट्स हैं जो जो वहां से निकलने का रास्ता है अगर वो ब्लॉक हो गया तो भी वो एक तरीके की बीमारी हो जाती है दैट इज ब्लॉक्ड मिल्क डक ये भी प्रॉब्लम हो सकता है और अगर मिल्क प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाए या तो आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हो और मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है मिल्क आ रहा है बिना किसी कारण के या तो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो और मिल्क नहीं आ रहा है राइट मिलकाना बंद हो गया तो ऐसी कई सारी बीमारियां बिनाइन ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स के साथ नॉन कैंसरस इवन कैंसर भी होते तो कैंसरस नॉन कैंसरस ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ता है राइट बहुत ज़्यादा अगर ब्रेस्ट मिल्क आता है तो उसे हम गलेक्टोरिया कहते हैं गलेक्टोरिया राइट और कई सारे इसमें टेस्ट होते हैं जैसे मैंने कहा था अल्ट्रासाउंड मेमोग्राफी ब्रेस्ट बायोप्सी राइट तो ये सारे टेस्ट किए जा सकते हैं और इसमें राइट सिस्ट कैल्सिफिकेशन कभी कभी आ, यानी मैस्टाइटिस यानी ब्रेस्ट का इन्फ्लामेशन भी हो सकता है राइट right? और मेमरी डेक्ट एक्टेजिया भी हो सकता है तो देर आर सो मैनी बीमारियां जो आपको जिसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैंसर सो ब्रेस्ट में अगर कभी भी ऐसी कुछ भी होगा तो आपको क्या क्या होगा पेन होगा स्वेलिंग आ सकती है गांठ आ सकती है या किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज आ सकता है तो अगर आपको इस तरह के कोई भी डिस्चार्ज या निप्पल प्रॉब्लम है issue then go and talk to a gynecologist and they will help you understand what is happening with you and make sure that you uh, get over this ho jao, safely timely so that's important all right thank you so much guys i hope you understood the concept of breast problems if you have any questions i'm here for your answers and don't forget to like subscribe and share this video it's very important for people to understand that this channel can, can do you and you can subscribe okay thank you for just kidding